गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो हाउ आर यू बेटा? ऑल आर फाइन. ओके, तो चलो फटाफट क्लास स्टार्ट करें हम. ओके, सो कौन सा पीरियड स्टार्ट है हमारा? यस, ग्रामर का है ना. तो क्या करना है हमें? ग्रामर के टेक्स्ट बुक्स ओपन करने हैं. ओके, होमवर्क कर रहे हैं सभी घर में? हाँ, सभी को होमवर्क कंप्लीट करना है. ओके, सो आज की क्लास में हम हमारे ग्रामर का फोर्थ लेसन जंबल्ड सेंटेंस पढ़ने वाले हैं. ओके, अब जंबल्ड सेंटेंस, इससे पहले कि जंबल्ड सेंटेंस क्या होते हैं ये पता चले, उससे पहले हम थोड़ा सा वर्ड्स प्ले करते हैं, है ना. एक छोटी सी एक्टिविटी लेते हैं 1 मिनट की. अब मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स राइट करूँगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने राइट किया के बी डबल ओ, है ना. क्या है ये? ये तो लेटर्स है. कैसे लेटर्स है? इधर उधर किए हुए, है ना, उल्टे उल्टे लेटर्स है. अब अगर हम इन लेटर्स को अरेंज करेंगे, है ना, रीअरेंज करेंगे, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो इन लेटर्स से मिलकर हम एक वर्ड बना सकते हैं. अब कौन सा वर्ड बनेगा देखो. चलो बता. वेरी गुड, बी डबल ओ के, बुक, है ना. तो ये जो उल्टे सीधे लेटर्स हमें दिए हुए थे इन्हें कहते हैं जंबल्ड लेटर्स, और इनका यूज करके हमने एक कंप्लीट वर्ड तैयार किया, है ना. तो इसी तरह से जंबल्ड सेंटेंसेस भी है कि हमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जो आगे पीछे दिए हैं, और हमें क्या करना है, उन वर्ड्स को एक प्रॉपर कंप्लीट सेंस में तैयार करना है और उसे राइट करना है, है ना. अब फिर से और एक वर्ड देखेंगे हम. ओके, तो अब वर्ड हम देखेंगे, कौन सा वर्ड देखना है? चलो बताओ जल्दी से, आप लोग बताओ कौन सा वर्ड देखेंगे. ओके, सो एल सी एच, सॉरी एस ओ एच ओ, ये मैंने जंबल लेटर्स यहाँ पर राइट किए. अब इन्हें हमें रीअरेंज करके एक करेक्ट वर्ड तैयार करना है. चलो बताओ कौन सा वर्ड आएगा. यस, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल, है ना. कौन सा वर्ड तैयार किया हमने? स्कूल. तो समझ में आया सभी को? तो इसी तरह से अब हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो हमें अरेंज करने हैं, है ना. चलो तो फटाफट सभी ने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 ओपन करो. किया? देखो वहां दिया हुआ है जंबल्ड सेंटेंसेस है दिया हुआ. अब हमारे पास में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, है ना. क्वेश्चन है हमारा, अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस, बिगन ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, पुट अ क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप एट द एंड, है ना. कुछ हमारे पास में यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को हमें रीअरेंज करके एक सेंसेबल कंप्लीट सेंटेंस तैयार करना है. कंडीशन क्या है कि हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, और अगर वो क्वेश्चन है तो सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, और अगर वो क्वेश्चन नहीं है तो फुल स्टॉप होना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास में है, आपको साथ साथ में सॉल्व भी करना है, है ना. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है? सेल्स, एस ए आई एल एस, सेल्स ऑन द शेप, द सी, द सी. इस तरह से हमारे पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है.
अब क्या है ये उल्टा पुल्टे वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इधर उधर वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके वर्ड्स है हमारे पास में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारे पास, लेकिन वो कैसे है जंबल्ड है ना, इधर उधर दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, उन्हें रीअरेंज करना है और एक कंप्लीट सेंस का सेंटेंस तैयार करना है। ओके तो अब किस तरह से करेंगे, अब हम अब सेल्स ऑन द शिप द सी, तो सबसे पहले क्या आएगा, हाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस को समझना है कि इसमें क्या बता रहा है, क्या बता रहा है। ओके इसमें बता रहा है कि शिप जो है वो सी मतलब समुद्र में, सेल मतलब तैरती है या चलती है ना। तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा हिंदी में हमारा, पहले हम हिंदी में बनाएंगे, शिप समुद्र में चलती है। अब इसे हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ओके तो किस तरह से आएगा, सबसे पहले हमें क्या राइट करना है, शिप। अब शिप के लिए क्या दिया हुआ है, द शिप। रूल नंबर वन क्या है, यस कैपिटल लेटर, जो सेंटेंस का स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगा हमारा, कैपिटल लेटर से। ओके सो द लिखा सभी ने, साथ साथ में राइट करना है मेरे, है ना, द शिप एस एच आई टी शिप सेल्स सेल्स ऑन द सी। अब ये सेंटेंस है तो लास्ट में क्या आएगा, यस फुल स्टॉप। ये बन गया हमारा कंप्लीट सेंस का सेंटेंस, किया सभी ने राइट, फटाफट राइट करो। ओके अब नंबर टू सेंटेंस, फ्लाइज फ्लाइज एंड एरोप्लेन इन द एयर। ओके ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ये सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, फिर से इस सेंटेंस को हमें रीड करना है। सबसे पहले तो हम समझ के लेंगे कि इस सेंटेंस में क्या कह रहा है ना। तो क्या कह रहा है इस सेंटेंस में, फ्लाइज एंड एरोप्लेन इन द एयर, कि एरोप्लेन जो है वो एयर में फ्लाई करता है ना। तो अब क्या राइट टर्म करना है हमें, एरोप्लेन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होंगी, एन एरोप्लेन, है ना। अब देखो यहाँ पे एरोप्लेन और एन, एन क्यों आया है, यस क्योंकि हमारा ये जो वर्ड है एरोप्लेन उसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ए से, और ए क्या है वॉवेल, है ना। और जब भी वर्ड्स के शुरू का फर्स्ट लेटर वॉवेल आएगा तो उसके सामने क्या आता है, एन आता है, और अगर वॉवेल नहीं रहा तो ए आएगा, है ना, या द आएगा। ओके जैसे यहाँ पे देखो शिप है ना, तो एस आया, कॉन्सनेंट आया, तो हमने यहाँ पे द लगाया। अब यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, एन से। फिर से क्या करना है, यस एन का ए कैपिटल, एन किया राइट, एन ए ई आर ओ पी एल एन ई एरोप्लेन, एन एरोप्लेन। फिर क्या आएगा, एक्शन वर्ड डूइंग वर्ड आएगा, है ना, फ्लाइज एफ एल आई ई एस फ्लाइज, देन एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, फुल स्टॉप। बन गया हमारा सेंटेंस, है ना। अब थर्ड, योर हाउस वेयर इज, ओके योर हाउस वेयर
इज। ओके, फिर से सेंटेंस है हमारे पास में। अब हमें इसे अरेंज करना है, फिर से हम समझ के लेंगे कि क्या कह रहा है। यूअर मीन्स तुम्हारा, हाउस मीन्स घर, और वेयर मीन्स कहाँ। तुम्हारा घर कहाँ है ना, ये हमें अरेंज करना है। तो किस तरह से करेंगे हम? यस, वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर इज, देन यूअर, फिर क्या आएगा उसके बाद? यस, हाउस, वेयर इज योअर हाउस। अब वेयर, वेयर मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या आएगा लास्ट में? यस, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो समझ में आया सभी को किस तरह से हमें जंबल सेंटेंसेस राइट करने हैं? मैंने आपको 3 एग्जांपल्स यहाँ सॉल्व करके दिए हैं। अब इसके बाद में देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में 12 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, है ना। तो आपको इन 3 एग्जांपल की हेल्प लेकर ये बाकी के जो 12 है, बाकी के जो 9 सेंटेंसेस है, वो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। ओके, तो सभी को समझ में आया जंबल सेंटेंसेस? ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके टीचर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बाय।